एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को पहले तो ये लगता है कि हम अगर जॉब में हैं तो हमारे पास टाइम कम है एज़ कम्पेयर टू दोज एस्पिरेंट्स जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं. बट पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम. सो जॉब वाले जो लोग होते हैं वो अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना जानते हैं, तो वो अननेसेसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है. आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली कन्फेस कि पूरा टाइम मोटिवेटेड तो कोई भी नहीं रह सकता, मैं भी नहीं रह पाई थी. फेलियर जब आता है तो इनिशियली कुछ दिन तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी बट स्टिल मेरा क्यों नहीं हुआ. इससे आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट होता है. बट फिर मुझे लगता है कि इस टाइम रोल आता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग है. आपकी फैमिली एक क्योंकि मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही थी, मतलब मैंने कहीं ऐसे पीजी या कहीं पे अलग से जाके प्रिपेयर नहीं किया, तो मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है. सो दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई ओ अ लॉट ऑफ सक्सेस ऑफ माइंड टू देम. सो मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों ने उस टाइम पे मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आपका इस बार नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हो नहीं सकता. कुछ गलतियां हैं जो आपको करेक्ट करनी है. और इतना भी इस एग्ज़ाम को अपने से बड़ा मत बनाओ कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते. Hello aspirants, welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers. और आज है हमारे साथ UPSC CAC 2022 All India Rank 23 वैशाली. वैशाली, आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच मैम फॉर inviting मी. तो सबसे पहले वैशाली, मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि UPSC का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है और एक बहुत लंबी स्ट्रगल और बहुत लंबी जर्नी के बाद एक बेहतरीन रैंक आपको यहाँ पर हासिल हुई है. कैसा लगा रिजल्ट देखकर और क्या आपने ये रैंक एक्सपेक्ट की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जब रिजल्ट आया तो उस समय मेरा जो रिजल्ट था वो मुझे मेरे भाई ने बताया था. तो सबसे अच्छा जो फीलिंग उस टाइम में मुझे लगी वो लगी कि इस साल प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा. और साथ ही साथ मतलब मुझे एक फ्लैशबैक के तौर पे पूरी अपनी जर्नी अपने आँखों के सामने दिखी कि कब, मतलब 5 से 6 साल के करीब हो गए थे मुझे प्रिपेयर करते हुए, मैंने शुरू किया और कैसे कैसे मैंने पूरी जर्नी मुझे एक फ्लैशबैक की तरह जब दिखी तो मतलब मुझे लगा कि आज मेहनत मेरी मतलब सफल हुई है. बिल्कुल, काफ़ी लंबी जर्नी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और उसके बाद एक बेहतरीन रिजल्ट सबको देखने में अच्छा लगता है. उतनी ही खुशी आपके पेरेंट्स को हुई होगी, आपसे जुड़े हुए लोगों को भी हुई होगी. हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, थोड़ा उसके बारे में ज़रूर बताएं. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में रही हूँ और मेरी पूरी एजुकेशन भी दिल्ली में ही हुई है सारी. तो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स की वजह से मैंने मैथ्स ऑप्शनल लिया था UPSC में. और इसके साथ ही साथ मेरी जर्नी में एक चीज़ थी कि मैंने कभी भी ब्रेक लेके, जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद दे टेक अ ब्रेक फॉर 1 or 2 years, वो प्रिपेयर करते हैं, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया. मैंने जॉब्स के साथ तैयारी करी है और स्टार्टिंग फ्रॉम माई ग्रेजुएशन इन 2017 आई हैव बीन इन गवर्नमेंट सर्विस. एंड मेरा ये बिलीव था कि जब आप सर्विस में रहते हो तो आप सर्विस के साथ में भी कुछ ना कुछ सीखते हो जो कि आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो. तो इसी वजह से मतलब मैंने यही सोचा कि प्रिपेयर करूँगी तो सर्विस के साथ करूँगी और आज रिज़ल्ट आपके सामने है कि मेरी रैंक AIR 23 आई है. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसके अलावा अगर हम इन जनरल पूछें एडुकेशन क्वालिफिकेशन और अगर आप अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बताना चाहें तो. मैम एजुकेशन में पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों से ही पढ़ाई करी है. आई हैव चेंज्ड 3 schools इन टोटल. और ग्रेजुएशन में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स किया है, जिसके बाद में मैंने स्ट्रेट अवे नेक्स्ट ईयर ही प्रीलिम्स दे दिया था जो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ था. उसके बाद वाला प्रीलिम्स भी मेरा 0.66 से क्लियर नहीं हुआ था. और लास्ट 3 attempts में मैंने मेंस दिया है, जिसमें इस अटेम्प्ट में मुझे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कॉल आई है और मेरी AIR 23 आई है.
बहुत ही बेहतरीन। तो अगर हम प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे कैंडिडेट्स देखेंगे, जैसे आपने खुद भी बताया कि काफ़ी लोग जो हैं वो एक गैप लेते हैं, उसमें प्रिपेयर करते हैं, और आपने यहाँ पर जॉब के साथ प्रिपेयर किया। तो मैं सबसे पहले वहीं से शुरुआत करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जॉब नहीं छोड़ना चाहते इस एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी को लेकर, और वो इसके साथ ही प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, आपने यहाँ पर इसे कैसे समझा, इस पेपर को कैसे समझा, कौन से वो तरीके थे जिससे इस पेपर को समझने में आपको हेल्प मिली, ताकि आपका जो आगे का रास्ता है, जो पाथ है, वो क्लियर हो सके? यस मैम, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें लोग मानते हैं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हम एग्ज़ाम की डिमांड को ही पढ़ना भूल जाते हैं। तो अगर मैं अपनी जर्नी में देखूं, तो मेरा सबसे पहला जो स्टार्टिंग स्टेप था वो था एग्ज़ाम का सिलेबस को देखना कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्या क्या आपसे डिमांड कर रहा है। अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप कैसे लॉजिकल वे में एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाते हैं, और मेंस में वो देख रहे हैं कि कैसे आप अपनी बात को पर्सपेक्टिव के थ्रू लिख पाते हैं, और इंटरव्यू में वो आपकी ओरेटरी स्किल्स या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक कर रहे हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले सिलेबस एंड देन PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी किया, और उनके थ्रू ये आइडिया लिया कि आप इस एग्ज़ाम के अंदर स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। एंड देन जब आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तब आप कुछ भी जो ऑनलाइन टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ हैं या फिर टॉपर्स की कुछ वीडियोज़ हैं, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक कॉमन मिनिमम बुक्स की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत सारे टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं, और उन बुक्स के साथ आप एक बेसिक अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। एंड जब आपका बेसिक कंटेंट बिल्ड हो जाता है, देन आपका फोकस हो जाना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। और अपने इस अटेम्प्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने प्रैक्टिस पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि एक बेसिक कंटेंट मेरा बिल्ड हो चुका था। राइट तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर क्रोनोलॉजी में चलें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के इस पूरी जर्नी को देखें, तो सबसे पहले तो क्या ये तो जो तीनों हिस्से हैं एग्ज़ाम के, इनकी अलग अलग प्रिपरेशन की जाए या फिर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है? मैम, इस क्वेश्चन का आंसर हम एक मॉडिफाइड वे में दे सकते हैं कि एग्ज़ाम का कुछ हिस्सा ऐसा है जो आप इंटीग्रेटेड वे में ही प्रिपेयर कीजिए। लाइक कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, अगर इसका एक आपके पास फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा। बट अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो जैसे मेंस पास आ रहा है तो उस समय में आपको आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उस समय में हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि कैसे हम कीवर्ड्स बेस्ड तैयारी करें, और प्रीलिम्स में जब प्रीलिम्स पास आ रहा है तो हमारा फोकस होना चाहिए कैसे हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो फैक्ट्स है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बार बार पढ़ें, जो हमें याद रहे, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। बट अगर एक फाउंडेशन बिल्ड करनी है, किसी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेनी है, तो वो इंटीग्रेटेड ही प्रिपेयर होगी, प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर जैसे बिल्कुल एक फ्रेश एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, तो जब हम सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस को थोड़ा बेहतर समझते हैं, हम यहाँ पे PYQs को देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स, जिनसे प्रिपरेशन की शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी रैंडम सब्जेक्ट उठाने की बजाय हम एक तरीके से कौन सी क्रोनोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं सब्जेक्ट्स का? आपने कैसे यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो किया सब्जेक्ट्स का उनको पढ़ते हुए, जिससे आपकी आगे की जर्नी थोड़ी आसान हो गई? मैम, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल NCERTs का रोल मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एंड स्पेसिफिकली मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो हम लोगों का साइंस वाला पार्ट तो स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम वो मतलब एक टच में रहते हैं सब्जेक्ट के, तो हम वो पढ़ रहे होते हैं। बट जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम जो बेसिक्स होते हैं वो NCERT से ही स्टार्ट करके कवर कर पाते हैं। तो अगर मैं क्रोनोलॉजी में बोलूँ, तो आप जो बेसिक NCERTs है पॉलिटी की, इकोनॉमी की और ज्योग्राफी की,
और हिस्ट्री की स्पेसिफिकली जो 11th और 12th की NCERT है वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इनसे स्टार्ट करके आप इन सब्जेक्ट्स का एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स है लाइक पॉलिटी की लक्ष्मीकांत एंड मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम जो UPSC प्रिपरेशन में एक बाइबल जैसे मानी जाती है। तो इन बुक्स को भी अब धीरे धीरे करके जब हम NCERT ख़त्म कर लेते हैं तो इनको स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनको आपको बार बार पढ़ना है, और बार बार पढ़ने के लिए अगर आप इनको पहले शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी रिविजन्स इन बुक्स की थोड़ी ज़्यादा होगी। एंड देन फर्दर जब हम इन बुक्स को भी कम्प्लीट कर लेते हैं तब हम मेन स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंस में आ रहे हैं बट प्रिलिम्स में नहीं आ रहे, तब हम उन टॉपिक्स की बुक्स के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। सो दैट कि पहले हमारा एक बार प्रिलिम स्पेसिफिक पूरा सिलेबस तैयार हो जाए, देन हम मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स की तरफ जाएं। तो मेंस स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उनको कैसे पहचाना जाए? यस मैम, इसमें रोल आएगा कि जो मेंस का डिटेल्ड वाला सिलेबस आता है GS 1, 2, 3 एंड 4 का, उसमें हम एक एक कीवर्ड को देखें और ये देखें कि क्या ये टॉपिक ऐसे हैं जिससे प्रिलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल GS 1 में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है उससे प्रिलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी जो GS 3 में है वो भी मतलब इतना ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है प्रिलिम्स के अंदर। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी तो ऐसा टॉपिक है जिससे मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन आप अगर प्रिपेयर करके जाएं तो वो रिपीट भी हो रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर आप छोटे छोटे पॉइंटर्स के थ्रू, अगर आप एक राइटअप के थ्रू प्रिपेयर करें, लाइक 200 वर्ड्स का एक राइटअप अगर आप नक्सलिज्म के ऊपर प्रिपेयर कर लें तो ये टॉपिक्स बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो यानी कि यहाँ पे प्रिलिम्स और मेंस जब दोनों की बात करें तो इनकी पढ़ाई तो इंटीग्रेटेड ही होगी, लेकिन जब आप यहाँ पे अपनी बुक्स को रिविज़िट कर रहे हैं मेंस को ध्यान में रखते हुए, तो मेंस में सिलेबस में दिए गए जो कीवर्ड्स हैं उन पर फोकस करते हुए हम उन्हीं किताबों को रिविज़िट करें। बिल्कुल। यहाँ पे प्रिलिम्स और मेंस जो है इसमें एक और हिस्सा हम देखते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत सारे लर्नर्स जिससे थोड़ा डरते भी हैं, थोड़े परेशान भी रहते हैं क्योंकि ये मैनेज नहीं हो पाते, न्यूज़पेपर्स खरीदते हैं लेकिन धीरे धीरे करके उनका पहाड़ बन जाता है लेकिन उन्हें वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा था इसको आपने कैसे कवर किया था और इसका इम्पोर्टेंस भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इस जर्नी से गुजर चुकी हैं, आप इस पर बेहतर इनसाइट दे पाएंगे। करंट अफेयर्स एक ऐसा एलिमेंट है हमारी प्रिपरेशन का जो प्रिपरेशन को थोड़ा डायनेमिक टच देता है, क्योंकि जो बुक्स हैं स्टैटिक पार्ट की वो तो ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ ही रहे हैं और वो सेम ही हैं कंटेंट वाइज अगर देखा जाए तो सब लोग सेम ही कंटेंट पढ़ रहे हैं। बट करंट अफेयर्स ऐसा है जो हमारे मेंस के आंसर्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम कोई स्पेसिफिक करंट अफेयर के न्यूज़ आर्टिकल से कोई कोटेशन अगर अपने पास लिख के रख लें, या सपोज़ कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है उस जजमेंट को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, तो करंट अफेयर्स हमारे आंसर्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। एंड रिगार्डिंग द प्रिपरेशन पार्ट, करंट अफेयर्स डिमांड कंसिस्टेंसी। अगर हम एक हफ्ते तक न्यूज़पेपर छोड़ देंगे तो हम लोगों को बहुत बर्डनसम फील होगा कि एक हफ्ते में पता नहीं क्या क्या न्यूज़ हो चुकी होगी। इसके बजाय अगर हम रोज़ सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आई रेड द इंडियन एक्सप्रेस, तो एक स्टोरी लाइन के थ्रू हम करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है वो एक हफ्ते तक उसका कुछ ना कुछ कवरेज चलती रहती है, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी चलती रहती है। तो अगर हम एक कंसिस्टेंटली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमारे को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा पढ़ने में कि हम रोज़ उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, और एक कनेक्ट डेवलप होता है, एक पर्सनल कनेक्ट डेवलप होता है उस चीज़ से। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मैगज़ीन के थ्रू भी पूरे महीने का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, बट मैगज़ीन के अंदर एक शॉर्ट समरी दी जाती है उन इवेंट्स की, न्यूज़पेपर उनका पूरा एनालिसिस करता है, जो एडिटोरियल्स हैं वो एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प करते हैं, इवन वो हमारी एक राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं, हम वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं, मतलब हम इन चीज़ों को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना रहे हैं। सो करंट अफेयर की प्रिपरेशन में मेजर जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा वो रहा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, और साथ ही साथ एक मंथली मैगज़ीन के थ्रू मैंने जो भी पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज करना।
राइट. तो यहाँ पर हमने इन जनरल प्रिलिम्स, मेंस और करंट अफेयर्स की बात की, लेकिन थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अगर हम बुक्स की बात करें या फिर सब्जेक्ट वाइज हम अप्रोच की बात करें तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी, एस्पिरेंट से क्या शेयर करना चाहेंगी? सब्जेक्ट वाइज एज एन पॉलिटी है, उससे रिलेटेड बुक्स कौन सी हो सकती हैं, क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, कुछ इस चीज़ के बारे में भी बताइए. ठीक है मैम, इस बार GS2 का जो पेपर था वो काफ़ी डिफरेंट था इस टर्म्स में, कि GS2 में काफ़ी 15 मार्कर्स जो आए थे वो स्टैटिक पॉलिटी से ना होके एक डिस्क्रिप्टिव टच की तरफ ज़्यादा मूव हुए हैं. तो उस डायरेक्शन में मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि आप अपनी बुक्स को मेंस में, स्पेसिफिकली पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत तक लिमिटेड ना रखें. आप इसके साथ ही साथ एक छोटी सी रिपोजिटरी बनाना स्टार्ट कीजिए सो दैट कि आप उन आंसर्स को भी अटेम्प्ट कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, GS2 में जो पॉलिटी पोर्शन था उसके लिए मैंने एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की पूरी लिस्ट बनाई थी, एक कमेटीज़ की पूरी लिस्ट बनाई थी, और साथ ही साथ जो ARC रिपोर्ट की समरी थी उनके थ्रू भी मैंने कई आंसर्स के इंट्रोज और कंक्लूजन्स प्रिपेयर किए थे. एंड आई थिंक उन्होंने मेरे को हेल्प इस तरीके से किया है कि स्टैटिक पार्ट को उन्होंने थोड़ा सा और एक वैल्यू एडिड टच दिया. एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में भी मैंने कोशिश किया था कि मैं मैप ज़रूर बनाऊँ. अगर बिम्सटेक का क्वेश्चन है तो मैं उसमें साउथ एशिया रीजन का मैप बनाऊँ. तो उसके थ्रू मैं ये दिखाना चाह रही थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी हम ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को ऐड कर सकते हैं. और इसके साथ अगर मैं हिस्ट्री की बुक्स को देखूं तो हिस्ट्री की बुक्स में क्या होता है, हम क्रोनोलॉजी को फोकस करके पढ़ाई करते हैं इनिशियली, कि पहले ये इवेंट हुआ फिर ये इवेंट हुआ. बट अगर हम हिस्ट्री को एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करें कि ये इवेंट हुआ तो ये क्यों हुआ, बुक्स वही हैं बट हमारा एक थिंकिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए इन बुक्स को पढ़ने में. इस इवेंट के पीछे कॉजेस क्या थे और अगर ये कॉजेस ना होते तब वो इवेंट क्या हो सकता था. तो उसी टॉपिक को हम एक एनालिटिकल वे में अगर पढ़ रहे हैं तो आई थिंक वो मार्क्स फेच करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब हमारे सामने आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन आता है जिस पे हमें फ्रेश डिसीजन लेना पड़ता है या कोई फ्रेश थॉट सोचना पड़ता है तो इस टाइप की एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है. इवन इकोनॉमी में भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि बेसिक डेफिनेशन सबको पता होती है बट जब हम इकोनॉमी को जो हमारे करंट सिनेरियो में इवेंट्स चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर IT का जैसे क्राइसिस चल रहा था तो अगर हम इसको कनेक्ट कर पाएँ कि IT सेक्टर के क्राइसिस से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, और सब्जेक्ट्स के जो आइडियाज़ हैं उनको स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ पा रहे हैं. इसके थ्रू एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी डेवलप हो रही है क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं. तो एक साइलोस से पढ़ने की जो लोगों की आदत होती है कि एक बुक को पढ़ रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उससे हटके अगर हम कनेक्ट करके सारी बुक्स को पढ़ें तो आई थिंक वो हेल्प करता है एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने में. और ये प्रिलिम्स और मेंस दोनों में ही इस प्रकार की अप्रोच होनी चाहिए? यस मैम, क्योंकि प्रिलिम्स में भी अब जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टीपल अप्रोच के थ्रू हमें आंसर करने पड़ रहे हैं. एलिमिनेशन का रोल ख़त्म हो रहा है तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं एक लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है. तो इस टाइप की अगर हमारे पास थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो रही है तो इट हेल्प्स बोथ इन प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस. तो जैसे आपने पॉलिटी के बारे में बताया कि लक्ष्मीकांत पढ़िए लेकिन उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन का काम भी कीजिए न्यूज़पेपर के थ्रू, एंड जैसे आपने ARC रिपोर्ट के बारे में बताया, कमिटीज़ के बारे में बताया, इसी तरह से हमने हिस्ट्री की बात की जिसमें आप NCERT's बेसिक पढ़ रही हैं लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर वहाँ पे भी हर एक चीज़ पर प्रश्न पूछ रही हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं अपने आप से. इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, बेसिक सोर्स क्या रहा था आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स के लिए? मैम, इकोनॉमी में तो मेरा एक ही सोर्स था, वो था मृणाल सर के लेक्चर्स और मृणाल सर के क्लास नोट्स. आई फाउंड देम वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कि वो एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डीप में कवर करते हैं. बाकी NCERT मैंने पढ़ी हुई थी तो एक फाउंडेशन पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था इकोनॉमिक्स का,
और ज्योग्राफी में मैम दो ही सोर्सेज होते हैं, एक NCERT क्लास 11th एंड 12th की और एक एटलस, क्योंकि एटलस के थ्रू हम जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, चाहे वो इंडिया स्पेसिफिक हो या वर्ल्ड स्पेसिफिक हो, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं. लाइक इस साल क्वेश्चंस आए थे मेंस में ही, GS1 में, इसमें स्ट्रेट्स के बारे में पूछा हुआ था. तो अगर हमने एटलस में कभी स्ट्रेट्स को लोकेट किया है तो हम डायरेक्टली एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं उस आंसर में, जिसमें हम स्ट्रेट्स की लोकेशन बता सकते हैं. और स्ट्रेट्स की लोकेशन उसी को ही पता होगी जिसने उन मैप्स को बार बार देखा होगा. बिल्कुल सही. तो यही दो सोर्सेस थे मेरे ज्योग्राफी के. इसके साथ साथ इन कोर सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अब एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा एरिया बनता जा रहा है. फिल्म्स में आप देखिए क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रहे हैं. इसी तरीके से कुछ दूसरे छोटे सब्जेक्ट्स जो इन कोर सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं लेकिन डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनमें इनकी जानकारी नहीं मिल पाती है. IR है, सिक्योरिटी है, ये जो एरियाज़ थे आपने इन्हें कैसे कवर किया? यस मैम, ये सोर्सेस बहुत फ्रेगमेंटेड हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी. बट इनको प्रिपेयर करने के लिए आप मटेरियल पिक एंड चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट में करंट अफेयर के अंदर बहुत सारी एनवायरनमेंट कवरेज आती है. तो उसके थ्रू जो आप अगर शंकर IAS की बुक भी पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट की, जिसके थ्रू आप बेसिक एनवायरनमेंट कवर कर रहे हैं, आप उनको वैल्यू एडिशन के थ्रू करंट अफेयर से ऑगमेंट कर सकते हैं. लाइक अगर आपको कोई न्यूज़ आइटम दिख रहा है जो कि किसी एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड है, तो आप उसके छोटे छोटे नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट कि आप कोई भी एनवायरमेंटल इशू के ऊपर 200 वर्ड्स लिख सकें. और साइंस एंड टेक भी एक टॉपिक ऐसा है जिसकी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, बट साइंस एंड टेक के अंदर जो अभी ट्रेंड देखा जा रहा है वो करंट अफेयर्स बेस्ड है. लाइक अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइक ChatGPT फॉर एग्जांपल, तो उसमें वो उसी न्यूज़ के रिवॉल्व करता हुआ ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो फोकस इसमें भी यही हो रहा है कि आप करंट अफेयर्स के अंदर जो साइंस बेस्ड न्यूज़ है उसका बैकवर्ड लिंकेज कितना अच्छा निकाल पा रहे हैं. मतलब आप सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आप उस न्यूज़ के बेसिस पे उस सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ रहे हैं. इसके लिए आप कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप एक इंटरनेट का यूज़ करके उसके थ्रू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के आप एक कीवर्ड बेस्ड नोट्स बना सकते हैं. एंड सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी में मैं मानती हूँ कि PYQs का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोर और लेस एक ट्रेंड रिपीट कर रहे हैं. तो उस ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए अगर आप 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिस पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है. फॉर एग्जांपल, साइबर सिक्योरिटी पे इस बार क्वेश्चन आया और लास्ट ईयर भी आया था. तो साइबर सिक्योरिटी को आप एक ही बार में पूरा का पूरा जो उसके इश्यूज़ हैं, उसके चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड हैं, उनके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं. ऐसा ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी है कि आप एक एक डिज़ास्टर को या चाहे तो ARC से या फिर NDMA की वेबसाइट से पूरा डिटेल में कि उसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स इन्वॉल्व्ड हैं, कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व्ड हैं, कौन कौन सा गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम्स ली जा रही हैं, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक बार इंटरनेट पे जाके आप एक नोट प्रिपेयर कर सकते हैं. बट इसमें भी गाइडिंग लाइट यही रहेगी कि आप ओवरबोर्ड ना जाएं, PYQ के ट्रेंड्स के बेसिस पे इन टॉपिक्स को देखें और उसके बेसिस पे अपना एक छोटा सा राइटअप प्रिपेयर करें. बिल्कुल सही. तो मेंस में यहाँ पर हम अगेन कीवर्ड्स पे ही फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. मेंस में यहाँ पर अगर मैं एक और सब्जेक्ट की तरफ बढ़ूँ, एक और पार्ट की तरफ बढ़ूँ, तो वो ऑप्शनल होगा. तो यहाँ पर आपने ऑप्शनल का चुनाव कैसे किया? मैम, मेरे केस में जो मेरा ऑप्शनल था वो मैथमेटिक्स था, और ये बड़ी नेचुरल चॉइस थी सिंस आई एम ए मैथमेटिक्स ग्रेजुएट. एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि अगर मैं कोई और ऑप्शनल लूँगी तो मुझे वो स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी थी. तो ये दोनों फैक्टर्स थे कि इंटरेस्ट और थोड़ा सा कि उस ऑप्शनल में आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. लाइक आप PYQs को एक बार थोड़ा सा ग्लांस करें और फिर देखें कि अगर मैं ये पेपर अभी सॉल्व करूं तो मैं इसमें कितना पोर्शन करेक्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं. बट मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि मैथमेटिक्स का GS के साथ में कोई ओवरलैप नहीं था,
तो ये फैक्टर भी बहुत लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो टाइम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में। कई लोग ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उसका सिलेबस छोटा होता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि आपके पास टाइम कितना है, आपका इंटरेस्ट किस में है, और एक आपका एक एप्टीट्यूड भी होता है कि कई लोग होते हैं वो टेक्निकल नॉलेज की वजह से टेक्निकल ऑप्शनल से बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो उन्हें वो ऑप्शनल ज़रूर लेना चाहिए। इसी के साथ अगर हम क्योंकि ऑप्शनल एक काफ़ी बड़ा एरिया है हमारे मेंस का भी, इसी तरीके से एक पेपर है एथिक्स, अगेन यहाँ पे भी सोर्सेज जो हैं वो थोड़े से बिखरे हुए हैं और इसमें ज़्यादातर जो आंसर है वो बहुत सब्जेक्टिव, अपने विचारों को प्रकट करना और केस स्टडीज़ लेना, उनको स्टडी करना, तो आपने एथिक्स की प्रिपरेशन कैसे की? मैम, एथिक्स की प्रिपरेशन में मैं स्पेसिफ़िकली ये बताना चाहूँगी कि बुक्स कुछ ज़्यादा हेल्प करती नहीं है, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें वो आपके पर्सनालिटी को एक तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में वो कम्युनिकेशन के थ्रू है, पर एथिक्स में वो आपके आंसर्स के थ्रू है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियल लाइफ ओरिएंटेड होते हैं। ऑल दो सेक्शन ए में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, बट वो भी अब इतना ज़्यादा डायनेमिक हो रहा है कि उसके अंदर अगर आप एक पर्सनल टच ऐड नहीं करेंगे तो वो बहुत मैकेनिकल लगेगा। सो एथिक्स की प्रिपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कि एथिक्स के जितने भी बेसिक कीवर्ड्स है, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन वर्ड्स को एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझना कि इनका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। अगर प्रोबिटी कोई हमसे पूछ रहा है तो हमें चार लाइन में प्रोबिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो लिखना आना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कई वीडियोस भी है, लाइक माइकल सैंडल की एक सीरीज़ है जस्टिस नाम से, उसमें उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एथिक्स की टर्मिनोलॉजी समझाई हैं। सो ये बहुत ज़्यादा बाउंडेड नहीं है इसके अंदर कि आप एक बुक से ही उसको प्रिपेयर करें। तो एथिक्स के अंदर पहले तो ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, देन अब बात आती है कि आप इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो इसमें मेरा तो मेन जो मार्क्स आए हैं वो मुझे लगा है इस वजह से आए हैं कि मैंने इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। लाइक मैं केस स्टडीज़ अपने पास में लिख के रखती थी जिसमें कुछ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट्स के इनिशिएटिव्स को मैं लिखा करती थी। एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है कि क्वेश्चन था कि ए सिविल सर्वेंट हैज़ टू बी इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट एज वेल एज एम्पथेटिक। सो मुझे एक एग्जाम्पल जस्ट क्लिक कर गया उस आंसर को पढ़ के कि डीएम सुहास एलवाई सर का एक फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो फ्लोर पे बैठ के लोगों की ग्रीवांस सुन रहे थे। तो मुझे वो एग्जाम्पल यहाँ पे एप्ट लगा कि एक सिविल सर्वेंट अपने पोस्ट को इतना भी बड़ा ना समझे कि वो आम लोगों के बीच ना जा सके। सो ऐसे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे, कुछ छोटी छोटी केस स्टडीज़ थी जो मैंने अपने साथ में रखी, मतलब एक लिस्ट के तौर पे, जिसका मैं यूज़ करती थी एथिक्स में। और साथ में जो एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, एक ट्रेंड दिख रहा है उसके अंदर। लाइक कोटेशंस भी मैंने देखा है कि सिमिलर लाइंस पे रिपीट हो रही हैं। सो उस ट्रेंड को अगर हम एनालाइज करें तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी की जा सकती है उन पीवाईक्यूज़ के थ्रू, और उन पीवाईक्यूज़ को हम टेस्ट सीरीज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। इवन मैंने कुछ कोटेशंस थे जो एथिक्स के पीवाईक्यू में क्वेश्चन की तरह पूछे हुए थे, और उनका यूज़ मैंने एथिक्स के आंसर्स में इंट्रो और कंक्लूजन की तरह भी किया है। ये तो बहुत ही बेहतरीन इनपुट था एक प्रकार से एथिक्स को लेकर, क्योंकि वाकई में लर्नर्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो इसको लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ाई की तो बात की, बुक्स और सोर्सेज के बारे में भी बात की, लेकिन इन बुक्स को सोर्सेज को रिवाइज़ करना, रिविज़िट करना या नोट मेकिंग, ये एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो एस्पिरेंट्स का इन्वेस्ट होता है। तो आपने नोट मेकिंग कैसे की और आपका रिविज़न का जो स्केड्यूल है वो किस प्रकार का हुआ करता था? मैम, रिविज़न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि रिविज़न ही है जिससे हम कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। और प्रिलिम्स में भी रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रिलिम्स में फैक्चुअल एरर अगर हमने कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग तो हमें मतलब बिल्कुल रुइन कर सकती है हमारे रिजल्ट को। सो रिविज़न में मेरा फोकस ये होता था कि एक तो मैं अपनी बुक लिस्ट पे स्टिक रही हूँ,
जो बुक लिस्ट है अगर कोई कितना भी बोल दे वो चेंज नहीं होनी चाहिए. मतलब अगर आपने एक सोर्स के लिए एक बुक रखी है तो वही बुक आप आगे तक लेके जाइए. आप ये मत सोचिए कि इस बुक से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा. एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट अगर आपने प्रिपेयर की है तो थ्रू आउट वो वही रहनी चाहिए. और रिविज़न शेड्यूल में ये था कि आप एग्ज़ाम के किस स्टेज पर हैं उस पर भी डिपेंड करता है. लाइक अगर प्रिलिम्स पास आ रहे हैं तो मेरा फोकस होगा कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स की एटलीस्ट 4 से 5 रिविज़न लगा ही लूँ. और इसके साथ जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी कहीं ना कहीं एक रिविज़न का ही काम कर रही है. सो अगर एग्ज़ाम पास आ रहा है, बीट प्रिलिम्स और इट मीन्स, अगर हम एक हफ्ते में एक टेस्ट भी शेड्यूल कर रहे हैं तो उस टेस्ट को देने से पहले हमें पहले एक फुल रिविज़न कर लेनी चाहिए. सो उस टेस्ट के बहाने से ही हम एक बार अगर एक फुल रिविज़न कर रहे हैं तो हमारा सारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा. एंड नोट मेकिंग के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था कि अब मैं पूरा मटेरियल एक नोट के फॉर्म में प्रिपेयर करूं. सो मेरा फोकस ये था कि जो मैं बुक्स पढ़ रही हूं उस बुक के अंदर अंडरलाइन करूं और जो बुक के मार्जिन्स हैं उनके अंदर ही कुछ कीवर्ड्स को अलग से मैं वैल्यू एडिट के तौर पर लिख सकूँ. अगर सपोज करो कि मैंने कुछ करंट अफेयर में मटीरियल पढ़ा जो बाद में मुझे लगा कि स्टैटिक के पार्ट में भी ऐड किया जा सकता है तो मैं उसको मार्जिन में लिख लेती थी. और प्रिलिम स्पेसिफिक जब मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करती थी तो उसके जो मिस्टेक्स होती थी उनको मैं नोट के फॉर्म में लिखना ज़्यादा पसंद करती थी. तो ये जो आपने टाइम की बात की है जिसमें आप एक तरीके से जो सोर्सेज हैं उन्हीं में मार्किंग करके उन्हीं को डायरेक्टली फिर नोट के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि समय जो है वो आपके जॉब के साथ काफ़ी हद तक वहाँ पे समय जा रहा था और उसके साथ आप प्रिपेयर कर रही थी, थोड़ा सा इस एरिया पर और ज़्यादा अगर आप इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दे पाए, बिकॉज देर आर मैनी एस्पिरेंट्स जो कि जॉब के साथ इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बहुत बार ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या टाइम स्केड्यूल होना चाहिए, पूरा समय जो है वो ऑफिस में निकल जाता है, उसके बाद आना पढ़ना, ऊपर से न्यूज़पेपर भी कवर करना है. तो आप इस पूरी चीज़ को कैसे मैनेज करती थी विद जॉब, क्योंकि जैसे जितना मैं जानती हूँ आपने यहाँ पर थ्रू आउट योर प्रिपरेशन अपनी जॉब रखी है एंड इवन शायद अभी भी आपने रिज़ाइन तो नहीं किया है. तो इसके बारे में ज़रूर बताएं कि आपने कैसे टाइम मैनेज किया. यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को पहले तो ये लगता है कि हम अगर जॉब में हैं तो हमारे पास टाइम कम है एज़ कम्पेयर टू दोज एस्पिरेंट्स जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं. बट पार्किंसन्स लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम. सो जॉब वाले जो लोग होते हैं वो अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना जानते हैं तो वो अननेसेसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है. एंड रिगार्डिंग द टाइम शेड्यूल ऑफ प्रिपेयरिंग विद द जॉब, मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी. लाइक अगर मेरी जॉब 9 बजे की है तो मैं सुबह 6 बजे उठ के 6 से 6:30 के अराउंड फ्रेशन अप होके उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करती थी. और उसमें मेरा फोकस ये होता था कि मैं एकदम फ्रेश आइडियाज़ के साथ आंसर राइटिंग कर पाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह आप मतलब मेरे केस में तो था कि मुझे लगता था कि मेरे आइडियाज़ बेस्ट आते हैं. और उसके साथ में न्यूज़पेपर मैं ऑफिस जाने से पहले पढ़ के जाती थी. तो मतलब मेरे को ये लगता था कि मेरा एक टास्क तो अकम्प्लिश हो गया कि मैंने सुबह सुबह करंट अफेयर्स पढ़ लिए. एंड जॉब के साथ में ये दिक्कत आपको आ सकती है कि आप पूरा दिन जब काम करके आते हैं तो आप शाम को बहुत थक जाते हैं. तो उस समय में आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पकड़ें जो थोड़ा सा आपको लगता है कि आप इजी टू रीड समझ रहे हैं. लाइक मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो मैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख लेती थी. और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में भी ये होता था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे डेली न्यूज़ एनालिसिस वगैरह, वो आपका सुबह का करंट अफेयर रिवाइज करा देते हैं. और कई बार ऐसा होता था कि मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेती थी प्रीलिम्स का, तो वो भी आप इतना मतलब बर्डन सम फील नहीं करते हैं उसको सॉल्व करने में एज़ कम्पेयर टू कि आप एक नई बुक रीड कर रहे हैं. और अगर आपको कोई फ्रेश मटेरियल पढ़ना है तो उसके लिए मैं फोकस करती थी कि मैं वीकेंड रिजर्व रखूँ, क्योंकि वीकेंड्स पे पूरा दिन फ्री होता है. उसमें आप लंबा एक स्टडी शेड्यूल बना के आप उसमें रीडिंग वाले जो मटेरियल की चीज़ें हैं उनको कवर कर सकते हैं. तो शाम का टाइम मेरा लाइट रीडिंग के लिए होता था और पुराना कंटेंट जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है उसके रिविजन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था. राइट, और वीकेंड के ऊपर आपका नया कुछ जो भी हमें सब्जेक्ट कवर करना है वो आप कवर करती हैं. बहुत ही बढ़िया.
ये एक बेहतरीन इनपुट है और जो भी एस्पिरेंट्स जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें एक तरीके से, इसमें जो आपका अंतिम हिस्सा है इंटरव्यू, तो सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में बताएं। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सबके लिए बहुत मेमोरेबल रहता है, क्योंकि यूपीएससी भवन के अंदर एंटर करना ही अपने आप में एक ऑनर की बात है। एंड मेरा जो इंटरव्यू था वो प्योरली डैफ बेस्ड था, तो इस मामले में मैं काफ़ी लकी रही हूँ, क्योंकि जब आप इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो डैफ के ऊपर आप काफ़ी फोकस करते हैं कि आपके डैफ बेस्ड जितने भी एरियाज़ हैं उनके अंदर आप जितना डीप में जा सकें आपको जाना चाहिए। तो मेरे केस में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट ही इस चीज़ से हुआ था कि सो वैशाली, यू हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट, सो व्हाई डू यू वांट टू कम टू सिविल सर्विसेज सिंस यू ऑलरेडी आर इन अ जॉब एंड इट्स बीन 6 years, सो व्हाई आर यू हेयर। सो मैंने इस पॉइंट को ऐसे लिया कि मैम, सिंस आई एम इन अ जॉब एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम, सो द स्किल्स दैट आई हैव लर्न्ड विल हेल्प मी टू बी अ बेटर सिविल सर्वेंट। एंड सिविल सर्विसेज मेरा शुरुआत से ही एक ड्रीम रहा था, सो मैं उस ड्रीम को परस्यू करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाना चाहूँगी, चाहे कितने भी साल मुझे लगे। एंड इंटरव्यू के अंदर क्योंकि मेरा जॉब एक्सपीरियंस थोड़ा डाइवर्स रहा है, आई हैव वर्कड इन NCERT, कोर्ट्स एंड DRDO, विच आई एम डूइंग करेंटली, उन्होंने उन्हीं एरियाज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जिन एरियाज़ में मैं काम कर रही हूँ, एंड दे ट्राइड टू लिंक इट विद द करंट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम किया है, तो उनका एक नेचुरल क्वेश्चन था जो सबके मन में आता है कि वैशाली, व्हाट विल यू डू टू रिड्यूस पेंडेंसी इन कोर्ट्स। एंड कॉलेजियम सिस्टम उस टाइम में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में था, सो दे डायरेक्टली आस्क मी टू टेक अ स्टैंड ऑन दैट इशू। सो जो मुझे मेनली उनका पर्सपेक्टिव लगा कि दे वॉन्टेड टू नो मी थ्रू माई वर्क एक्सपीरियंस, एंड उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कराने की कोशिश करी, क्योंकि वो उसी एरिया से क्वेश्चंस पूछ रहे थे जिस एरिया में मैं काम कर रही थी। सो इंटरव्यू जो है वो एक ऐसा हिस्सा होता है जो आपकी पर्सनालिटी जो है उसको सामने लेकर आता है, तो क्या इसके लिए भी आपने एक तरीके से पहले प्रिपरेशन की थी, इसके लिए भी कुछ तैयारी आपने की थी इंटरव्यू पर जाने से पहले? यस मैम, क्योंकि इंटरव्यू से पहले जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फिल करते हैं उसके अंदर हम अपने बारे में काफ़ी सारी पर्सनल डिटेल्स रिवील करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम उसके अंदर ये बताते हैं कि हमारी एजुकेशन कहाँ से हुई है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली से एजुकेशन ले रही हूँ तो मुझे दिल्ली के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बी इट द इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, बी इट द सोशल, एनवायरमेंटल और एनी अदर इशू रिलेटेड टू दिल्ली। सो ये माना जाता है कि डैफ के अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन फिल की है उसके अंदर हम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट होने चाहिए हमसे उस एरिया में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। एंड एक छोटी सी प्रैक्टिस भी होती है कि आप इतने एस्टीम्ड पैनलिस्ट के सामने बोलते बोलते कुछ भी ऐसा ना बोल दें जो उस इवेंट की डिग्निटी को ऑनर ना कर पाए। तो मॉक इंटरव्यूज़ का रोल इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपको एक छोटा सा एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर आप अपने व्यू पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्रिपरेशन के लिए मेन मेरा दो ही फोकस एरियाज था, एक डैफ की डिटेल्ड एक नोट प्रिपेयर करना, छोटे छोटे पॉइंट्स प्रिपेयर करना जिसपे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साथ ही मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू प्रैक्टिस करना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ हमने एक तरीके से पूरी जर्नी जो है उसको कवर किया, लेकिन आपकी वाकई में ये जो जर्नी है वो बहुत लंबी रही है। आपने 5 attempts दिए जैसे आपने पहले बताया भी, उसमें से 2 prelims जो है वो कुछ कारणों से वहाँ पर आप रह भी गए, उसके बाद फिर आपने आगे के जो अटेम्प्ट्स थे उसमें मेंस भी दिया और इस बार इंटरव्यू का कॉल आया एंड फाइनली आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ। ये जो जर्नी है, इस पूरी जर्नी में ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने ऊपर सवाल उठाने लगते हैं कि एग्ज़ाम जो है ये दे भी सकते हैं या नहीं। हम काफ़ी हद तक ये जो जर्नी है ये व्यक्ति को डिप्रेस्ड भी कर देती है, क्योंकि हम लोग
एक तरीके से अपने आसपास के जो लोग हैं, शायद हमारे पेरेंट्स भी, उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। दोस्त जो हैं वो दूसरी फील्ड्स में कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं या फिर दूसरी फील्ड्स में इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जर्नी था, एक्चुअल में आपकी जर्नी जो है वो इंस्पायरिंग है, विद जॉब प्लस बहुत अटेम्प्ट्स जो हैं वो आपने दिए हैं, आप उस जर्नी में रही हैं, आपने उसे जिया है। तो ये जो पूरी जर्नी थी, इसमें खुद को मोटिवेटेड रखना, वो चीज़ आपने कैसे की, उसको हैंडल कैसे किया? जब एक फेलियर आता है तो एक किक लगती है कि ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको कैसे आपने हैंडल किया, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली कन्फेस कि पूरा टाइम मोटिवेटेड तो कोई भी नहीं रह सकता, मैं भी नहीं रह पाई थी। फेलियर जब आता है तो इनिशियली कुछ दिन तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी बट स्टिल मेरा क्यों नहीं हुआ। इससे आपकी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट होता है। बट फिर मुझे लगता है कि इस टाइम रोल आता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपकी फैमिली एक क्योंकि मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही थी, मतलब मैंने कहीं ऐसे पीजी या कहीं पे अलग से जाके प्रिपेयर नहीं किया, तो मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है। सो दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई ओ अ लॉट ऑफ सक्सेस ऑफ माइंड टू देम। सो मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों ने उस टाइम पे मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आपका इस बार नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हो नहीं सकता, कुछ गलतियां हैं जो आपको करेक्ट करनी है। और इतना भी इस एग्ज़ाम को अपने से बड़ा मत बनाओ कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। एंड इस मामले में मैं लकी इस वजह से भी रही हूँ कि जो मेरा ऑफिस था वहाँ पे जो मेरा काम था, लाइक मैं अभी DRDO में काम कर रही हूँ और वो भी एक ऐसा ऑफिस है जिसके अंदर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता था कि अगर मेरा यहाँ नहीं भी होता किसी बुरे कारण से, तो मैं जिस जगह में काम कर रही हूँ वहाँ भी मैं देश सेवा कर रही हूँ। तो मेरे मन में ये बात आती थी कि व्हाट्स द वर्स्ट कैन हैपन, कि मेरे सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाएंगे और मेरा फिर भी नहीं होगा। तो मुझे लगता था ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स पुट कर सकती हूँ वो करूँगी, बट अगर मेरा फिर भी नहीं होता तो आई हैव अ जॉब इन विच आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन और उसमें मैं अपना पोटेंशियल पूरा यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि एक टेक्निकल एरिया की जॉब थी, मैथमेटिक्स ओरिएंटेड थी और मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद भी था, बट मेरी एक इच्छा थी कि मैं मैथमेटिक्स के डोमेन से बाहर निकल के और डाइवर्स एनवायरनमेंट में जा पाऊँ, इसीलिए मैं सिविल सर्विसेज का एक आइडिया अपने दिमाग में हमेशा रखती थी कि जब तक मैं एफर्ट कर सकती हूँ तब तक मुझे करना ज़रूर है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरा सपोर्ट सिस्टम था जो मुझे बहुत लो फेजेस से बाहर लाने में मेरी मदद कर पाया, और कहीं ना कहीं मुझे अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं हर साल इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मेंस में भी मार्क्स हर साल इम्प्रूव हुए हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं ग्रो तो कर रही हूँ बट कितना कर पाऊँगी एंड तक, वो मुझे एक डाउट था जो कि मेरी फैमिली ने मुझ पर फेथ के थ्रू उसे बनाए, उस डाउट से उबरने में मेरी मदद करी। इस पूरी जर्नी में क्या ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली अब जब हम दूसरी साइड से इस जर्नी को देखते हैं तो सब कुछ वर्थ इट था, राइट? आपको यहाँ पे लगता है कि यही तो एक चीज़ थी जिसके लिए मैंने ये इतना समय दिया है? क्या कोई भी ऐसी एक पार्ट हो सकता है इस जर्नी का जिसको आप सोचती हैं या इमेजिन करती हैं कि अगर इस जर्नी का हिस्सा नहीं रहती तो शायद ये कर रही होती? अगर इस जर्नी का हिस्सा नहीं होती तो फिर तो मैम मैं ये जॉब अपनी जो चल रही थी वो कर रही होती, और आई कुड हैव गॉन फॉर हायर स्टडीज, लाइक आई एम ए ग्रेजुएट सो आई कुड हैव गॉन फॉर मास्टर्स एंड ए PhD, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड प्रोफाइल था तो आई वुड हैव गॉन फॉर अ रिसर्च करियर ऑल टुगेदर। तो अगर इससे थोड़ा सा कनेक्ट करें, जैसे आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रही थी, देर आर एस्पिरेंट्स जो 4-5 अटेम्प्ट्स विदाउट जॉब भी करते हैं, आपको क्या लगता है कि बैकअप जो प्लान होता है जॉब की फील्ड में उसका क्या इम्पोर्टेंस है? मैम, बैकअप प्लान का सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो ये है कि ये एक मेंटल पीस देता है कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं
तो एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको ये चीज़ लग रही होती है कि यू हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद यू, और आपको ये लग रहा होता है कि आप किसी ना किसी वे के थ्रू कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. इवन इफ यू आर फेलिंग एट दिस एग्ज़ाम, यू आर नॉट फेलिंग एट लाइफ. सो जॉब करना कई लोगों की फाइनेंशियल ज़रूरत भी हो सकती है. कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिली उनको इतना सपोर्ट नहीं कर पाती कि वो एक्सपेंसेस उठा पाएँ अपनी प्रिपरेशन के, उन लोगों के लिए जॉब और भी बेनिफिशियल है क्योंकि उसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं. बट मेरे केस में जो मुझे लगा कि जॉब आपको एक पीस प्रोवाइड कर रही है कि आप एक तरीके से फ्री होके पढ़ाई कर सकते हैं, कि अगर होता है तो और अच्छा और अगर नहीं होता है तो आई हैव अ जॉब विद मी. लेकिन अब बहुत सीरियस बात हो गई, अब मैं आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एंड आई होप यू आर रेडी फॉर देम. चलिए पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको मौका मिले अपना नाम बदलने का तो क्या आप उसे बदलेंगी, और अगर बदलेंगी भी तो वो क्या होगा और क्यों? मैम आई लव माई नेम सो आई वुड नॉट लाइक टू चेंज इट. बहुत बढ़िया. ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग या अमेजिंग चीज़ है जो इस साल आपने पढ़ी हो या देखी हो? सीइंग माई नेम इन दी UPSC फाइनल रिजल्ट PDF इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. ये भी बिल्कुल सही जवाब है, एक प्रकार से सबके लिए वो इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रहा होगा. ऐसी कोई भी जॉब जो आप ख़राब कर देंगी अगर आप उसमें एंटर होती है, समथिंग सम जॉब विच वुड बी एब्सोल्युटली हॉरिबल फॉर यू? मैम रिगार्डिंग कुकिंग आई कैन थिंक I do only काम चलाऊ वाली कुकिंग. ओके. ऐसी कोई चीज़ जो बाकी लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं लेकिन जब आप उसे देखती हो तो आपको लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मुझसे नहीं होगा? ड्राइविंग. अगर आपके पास पूरी दुनिया का 30 सेकेंड्स के लिए आपको अटेंशन मिलता है तो आप पूरी दुनिया को क्या कहना चाहेंगे? डू वॉट यू लव. डू वॉट यू लव, एग्जैक्टली, हमें वही करना चाहिए. अगर यहाँ पर मैं आपके फ्यूचर के बारे में बात करूँ, अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, क्या करते हुए देखती हैं? एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज इन माई जॉब प्रोफेशनली एज वेल एज ग्रोइंग पर्सनली. कोई ऐसा भोजन खाना है जिसे आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती? सिंस आई एम अ पंजाबी सो लस्सी हम लोगों के खाने में एक मस्ट हैव होता है. बिल्कुल ठीक. आखिर में अनअकैडमी की तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा. थैंक यू सो मच मैम. सो थैंक यू सो मच वैशाली, आज के इस बेहतरीन सेशन में आपने बहुत ही अच्छे इनपुट्स दिए, इस प्लेटफॉर्म में आकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, और मैं ये पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आज के इस सेशन के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी. वैशाली हमारे लिए एक स्पेशल कैंडिडेट इसलिए भी थी क्योंकि शी इज़ द वन जिन्होंने जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन की है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट इसके रिगार्डिंग रहता ही है कि कैसे टाइम टेबल तैयार करें, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, और उनके सवालों के जवाब जो है वो आज इस सेशन से ज़रूर मिले होंगे. अगर अभी इस समय आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें, कोई ऐसी मिस्टेक जो आप चाहते हैं कि आगे जो एस्पिरेंट्स हैं वो ना करें, वो क्या मैसेज होगा उन सभी आगे एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए? एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगी सभी एस्पिरेंट्स को कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन एल्स, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान की जो जर्नी है वो डिफरेंट है, हर इंसान की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, और वो सब एक अलग जर्नी के थ्रू अलग तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं. सो अगर कभी भी आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो सकता, उनका हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दें, और कभी भी ऐसा फील ना करें कि आपके
आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपकी सोशल कंडीशन आपके इस एग्ज़ाम के अंदर इम्पैक्ट करेगी आपके रिजल्ट को. आपको हार्डवर्क करना है और अपनी गलतियों के ऊपर काम करना है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन विद एनीवन. अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर रहे हैं तो आई बिलीव आप इस एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली सक्सीड हो सकते हैं. वैशाली, आपने बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया एस्पिरेंट्स को, और आज के सेशन के बाद, डिस्कशन के बाद बहुत सारे इनपुट्स ऐसे होंगे जो उन एस्पिरेंट्स तक पहुँचे होंगे. सो एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच इस एपिसोड में बने रहने के लिए. कैमोमाइल टी विद टॉपर्स अनअकैडमी का इनिशिएटिव एक बार फिर हाजिर होगा एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए टॉपर के साथ, कुछ नए इनपुट्स लेकर. थैंक यू.